जय श्री राम दोस्तों, लाभदायक हो आपका निवेश में हूँ देवेश। दोस्तों अभी थोड़े समय पहले की बात है, भारत ने अमेरिका से खरीदी थी असॉल्ट राइफल। यह जो अमेरिकन राइफल्स थी इनसे हम सभी को थी बहुत सारी उम्मीदें, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इन राइफल्स में हमें कई सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उदाहरण के लिए सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक दिक्कत यह है कि इन अमेरिकन राइफल्स में अमेरिकन गोलियां तो बढ़िया चलती हैं, लेकिन जैसे ही इनमें देसी गोलियां डाली जाती हैं यह बंदूक बैठ जाती है। भारत में बनी हुई बुलेट्स को फायर करने में इस राइफल को पसीने छूट जाते हैं। साथ में इस राइफल को अमेरिका से मंगाने के बाद इसमें कई सारे परिवर्तन हमें लोकल लेवल पर करने पड़े। जब हम पैसा खर्च करके अमेरिका से इतनी महंगी राइफल खरीद रहे हैं तो यह उम्मीद करना स्वाभाविक है कि अमेरिकन राइफल हमें संतुष्टि प्रदान करेंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश है कि अमेरिकन राइफल यहाँ पर पूरी तरह से असफल साबित हुई हैं। इसलिए भारत ने निर्णय लिया है कि जो पुराना ऑर्डर था उसी के अंतर्गत भारत रिपीट ऑर्डर को जारी नहीं करेगी। अमेरिका से 70,000 और असॉल्ट राइफल नहीं खरीदेगा भारत। अब एक तरफ अमेरिका से नई असॉल्ट राइफल रिपीट ऑर्डर के अंतर्गत नहीं आ रही है भारत में, तो दूसरी तरफ हमारी उम्मीद थी रूस के साथ। रूस और भारत का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है अमेठी में, जिसके अंतर्गत AK-203 राइफल का प्रोडक्शन होना है। उस प्रोजेक्ट पर भी लटक गई है तलवार, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन देशों ने लगा दिए हैं रूस के ऊपर कड़े आर्थिक प्रतिबंध, इसलिए उस प्रोजेक्ट को बढ़ने में दिक्कत पेश आ रही है। तो इस प्रकार से ना तो अमेरिका से बनी बनाई रेडीमेड राइफल्स भारत आ पा रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत और रूस मिलकर भारत में राइफल का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी दिक्कत यह हो गई कि भारत ने अभी हाल ही में राइफल के इम्पोर्ट पर लगा दी है रोक, मतलब यह राइफल अब भारत में ही बनाई जाएंगी। इसके अंतर्गत भारत ने 5 देसी कंपनियों को लाइसेंस भी दे दिया है कि वह विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में राइफल का प्रोडक्शन करें। तो अब चूंकि अमेरिका और रूस दोनों से राइफल की जुगाड़ हो पाने में दिक्कत हो रही है, तो हमारी सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं भारतीय कंपनियों से। हमें विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत आंदोलन के अंतर्गत भारतीय कंपनियों को जो यह चैलेंज मिला है वह इस चैलेंज को एक अवसर के रूप में लेंगी और समय पर हाई क्वालिटी राइफल्स भारतीय सैन्य बलों को मुहैया करवाएंगी। अब दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की यह जो पूरी मुहिम है उससे रक्षा क्षेत्र में उभर रहे हैं निवेश के सुनहरे मौके। यदि आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो सीख लीजिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कलाएं। आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स पर मिल रहा है भारी भरकम डिस्काउंट, उसका लाभ उठाने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर कीजिए क्लिक। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।